الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا उसकी कोई हैसियत और रुतबा बाकी नहीं रही।
वो अपने अपने दौर में जब अंबिया मौजूद होते थे उनकी मौजूदगी के अंदर वो किताब भी वो शरीयत के पाबंद कबूल थी, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा और कुरान करीम कुरान हमीद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम को अदा की, तो उसके बाद ना तो कोई दीन कबूल रहा और ना ही कोई किताब कबूल रही, सारी की सारी वाकई शरीयत ने अपने दौर के अंदर कबूल की, लेकिन अब इस शरीयत के आने के बाद बाकी सब शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं, उनके अहकाम मनसूख हो चुके हैं, उनका मकाम और मर्तबा बाकी नहीं रहा। अब इस वक्त जो मकाम और मर्तबा बाकी है उसे और सिर्फ इस्लाम का है, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम। इसी इस्लाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा, ऐ ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, इस इस्लाम के अलावा अगर तुम कोई और मजहब इख्तियार करते हो किसी और तरफ चलते हो तो ये सारी की सारी शैतानी वसवसे होंगे, शैतानी ख्यालात होंगे, शैतान की इत्तबा और पैरवी होगी, इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। बात बिल्कुल साफ सुथरी सी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम को मुसलमान के लिए पसंद किया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम को मुसलमान के लिए पसंद किया तो इस्लाम है क्या? इस्लाम किसे कहेंगे? क्या सिर्फ ये कह देना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अब ये इस्लाम मुकम्मल हो गया, या सिर्फ नमाज पढ़ ली तो इस्लाम मुकम्मल हो गया, सिर्फ रोजा हज लगा कोई एक रुकन पकड़ लिया, या सिर्फ इबादत का शोबा पकड़ लिया, या सिर्फ माशरत का शोबा पकड़ लिया, या सिर्फ इखलाकियात का शोबा पकड़ लिया तो इस्लाम मुकम्मल हो गया? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं हमें जो मतलूब है इस्लाम वो ये कि पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए। पूरे का पूरा इस्लाम क्या है कि इंसान की 24 घंटे की जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजर जाए। इस्लाम की इंसान की 24 घंटे की जिंदगी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक गुजरे, इंसान की 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत के अंदर गुजरे, अल्लाह को मतलूब ये इस्लाम है। और फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ऐ ईमान वालों उदखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के ईमान वालों से कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं जो कलमा पढ़ चुके हैं, उनसे कह रहे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक मानते हैं, उनसे कह रहे हैं जो अल्लाह की किताबों को कुरान हकीम को आखिरी किताब मानते हैं, उनसे कह रहे हैं जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम करते हैं, उनसे कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ऐ ईमान वालों, हम हमें उसी को कहते हैं जो अल्लाह को मानता है, अल्लाह के रसूल को मानता है, अल्लाह की किताब को मानता है, ये मोमिन है। अल्लाह कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ऐ ईमान वालों जो ये सब मान चुके हो, जो ये सब तस्लीम कर चुके हो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा, अब इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम क्या है? इस्लाम अलमा फरमाते हैं इस्लाम ये है कि किसी बड़ी जात के आगे, किसी बड़ी हस्ती के आगे अपने आप को सरेंडर कर देना, अपने आप को किसी बड़ी जात के हवाले कर देना, उसके आगे अपने आप को झुका देना, उसके आगे सर तस्लीम खम कर देना कि अब मेरी कोई मर्जी नहीं चलेगी, मैंने जिसके हवाले खुद को किया अब मर्जी उसी की चलेगी। तो अल्लाह के आगे अपने आप को झुका देना, सर तस्लीम खम कर देना, अल्लाह के हवाले खुद को कर देना, ये इस्लाम है कि अब हमारी मर्जी नहीं है, अब मैं अपनी मर्जी की शरीयत नहीं बनाऊंगा, मुझे वो शरीयत चाहिए जो अल्लाह ने उतारी है, मैं अपनी मर्जी के अहकाम नहीं बनाऊंगा, मुझे वो हुक्म चाहिए जो अल्लाह ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और सहाबा ने उस हुक्म पर अमल करके दिखाया, मुझे ऐसा इस्लाम होना चाहिए। तो अल्लाह कहते हैं ये इस्लाम है, अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर देना, सर तस्लीम खम कर देना, जो हुक्म आ गया उसके ऊपर लबैक कह देना, यही इस्लाम है। और अल्लाह चाहते हैं कि तुम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, ये नहीं कि नमाज पढ़ ली और रोजा छोड़ दिया, रोजा रख लिया और शरीयत अहकाम के मुताबिक तिजारत छोड़ दी, या शरीयत अहकाम के मुताबिक तिजारत की अखलाकियात छोड़ दिए, कोई एक हुक्म छूटने ना पाए, माशरत हो, तिजारत हो, इबादत हो, अखलाकियात हो, अकायद हो,
कोई भी जिंदगी का शोबा हो वो शरीयत के हुक्म से बाहर ना निकले, अल्लाह ऐसा इस्लाम हमसे चाहते हैं। और फिर ये कि अल्लाह ने ये करके बता दिया कि बस ये इस्लाम हमें चाहिए, इसकी अमली तफसील क्या होगी, इसका नमूना अल्लाह ने पेश किया है कि हम ये इस्लाम चाहते हैं कि जब कोई हुक्म अल्लाह का आ जाए वो हमें समझ में आए ना आए, मेरी अकल उस हुक्म का इरादा करे ना करे, लेकिन मैंने उसको पूरा करना है। अब वो क्या है, अल्लाह कहते हैं हम तो कहते हैं कि वो रुकन के सिर में काम हुआ, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ कि जो अल्लाह का हुक्म आया, जब अल्लाह का हुक्म आया, जैसे अल्लाह का हुक्म आया मुझे वैसे बस उसे पूरा करना है, उसमें मेरी पसंद ना पसंद का अमल दखल नहीं है, उसमें मेरी चाहत का या मेरी ना मेरे ना चाहने का अमल दखल नहीं है, मुझे अल्लाह ने बता दिया कि ये इस्लाम है बस मुझे ये पूरा करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अब हमें सुना, अब हम तुम्हें बताते हैं कि हमें कैसा इस्लाम चाहिए, अब हम तुम्हें समझाते हैं कि क्या होगा। फरमाया कि अब ये मिसाल से तुम्हें समझाते हैं कि हम जो कह रहे हैं ये इस्लाम हमें चाहिए जिसमें तुम्हारी मर्जी शामिल ना हो, जिसमें तुम्हारी अकल उसका इरादा ना कर सके फिर भी तुम मानो, वो हम तुम्हें बताते हैं कि फरमाया कि इन्नी अरा बिल मना। ये देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के बलगुजीदा पैगंबर हैं, अल्लाह ने खलीलुल्लाह कहा है, अल्लाह के दोस्त हैं, कि अल्लाह ने जिस इम्तिहान में डाला उस इम्तिहान में 100% कामयाब हुए। आज हम भी ये कहते हैं मिल्लत इब्राहिमी के ऊपर हम मौजूद हैं, असल दीन तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कह रहे हैं कि इन्नी अरा फिल मना, कि मैं नींद में देख रहा हूँ, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि अन्नी अज़रहु, मैं आपको जिम्मा कर रहा हूँ, ख्वाब देखिए सो रहा था, अल्लाह ने ख्वाब दिखा दी कि इन्नी अरा फिल मना, कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि ख्वाब के अंदर कि अन्नी अज़रहु, मैं आपको जिम्मा कर रहा हूँ। और क्या भी स्टोरी है, छोटा सा बेटा है जिसे कह रहे हैं, ऐसे घंटा घंटा जवान शादीशुदा है, वो बेटा कि जिसको अल्लाह से बड़ी दुआओं से मांगा था, बड़ी चाहत से मांगा था, बड़ी आरज़ूएं की थी, बड़ी दुआएं और इल्तिजाएं अल्लाह से की थी। और एक बात ये भी समझ में आती है कि औलाद देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, अगर दुनिया के अंदर कोई जात इस बात पे इख्तियार रखती कि वो औलाद हो जाए, वो दुआ करे और वो अपने कोई ऐसे अमाल करे जिससे औलाद हो जाए, तो हजरत इब्राहिम के साथ अल्लाह ने खलीलुल्लाह कहा था, तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इतनी तकवीर से जाकर औलाद की गई। तो अल्लाह ने यह मसला भी समझा दिया कि अगर औलाद चाहिए तो मांगनी किससे है, अल्लाह से मांगनी, अल्लाह के यहाँ औलाद देने वाला कोई नहीं है, ये मसला भी समझ में आ गया। और फरमाया कि इन्नी अरा फिल मना अन्नी अज़रहु, कि मैं नींद में देख रहा हूँ कि मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, कौन कोई बात आता रहा, आप बताएं आपका क्या ख्याल है। एक बात और इस वाक्य से ये समझ में आई कि कोई फैसला वालदैन के लाजिम नहीं है कि वो अपने बच्चों के ऊपर ठोस दें कि मैंने फैसला कर लिया है अब ये तुम्हारे साथ यही होगा, ये बात गलत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तर्ज़-ए-अमल बताता है कि अपनी औलाद के ऊपर कोई फैसला ठोसा नहीं जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, जैसे हजरत इब्राहिम पूछते कि इन्नी अरा फिल मना अन्नी अज़रहु फ़क़ुल माज़ा तरा, आप बताएं आपकी क्या राय है, मैंने ये देखा है ख्वाब के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अमल करने लगा हूँ, मैं इस फैसले के ऊपर डट गया हूँ, ये करके छोड़ना नहीं, बिल्कुल मान आता रहा, आप बताएं आपकी क्या राय है, आप सब तो बचा करें, आप बताएं मैंने ये ख्वाब देखी, अब आप बताएं आपकी क्या मसीह है। तो फैसला ठोसना नहीं चाहिए और रात से मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बारे में मैंने ये सोचा है कि ये कर तो तुम्हारे साथ तुम्हारी क्या राय, हमारे यहाँ ये होता है कि मैंने सोच लिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, अब उसका जन किसी तरफ भी चल रहा है, जब मैंने सोच लिया कि ये बनेगा तो अब वो कुछ भी कर दे, अब मैंने उसको उसी लाइन के अंदर लेकर जाना है, मैंने सोच लिया मेरा बेटा हाफिज बनेगा, अब उसकी जहनी इस्तेदाद इतनी नहीं है कि वो कुरान को हिफ्ज कर सके, अल्लाह ने मुख्तलिफ सलाहियत इंसान को दी होती है, जरूरी कि हर इंसान हर काम कर सके, अब इस सलाहियत के ऊपर अगर मेरा बेटा नहीं उतर रहा वो नहीं कर सकता, मैं फिर भी तो नहीं, मैंने फैसला कर लिया, मैंने फजाइल सुन लिए, मैंने इसे मकाम और मर्तबा सुन लिया, अब ये तो मैंने हासिल करने के लिए, अब किसके जरिए करने, तुम्हारे जरिए करने, अब तुम जो मर्जी करो, वो बेटा तो मेरे वजह से दाखिल करा है, तुम्हें हिफ्ज कराना है, नहीं ऐसी बात नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से पूछे हम तो बताओ तुम्हारी क्या राय है, तो जिंदगी का कोई भी फैसला हो अपनी औलाद के हवाले से अगर इंसान करे तो उससे राय जरूर ले, बताओ तुम्हारी क्या राय है, यही तरीका अंबिया का है, अपनी औलाद से मशवरा करना, अपनी औलाद से राय लेना, उनके मुस्तकबिल के बारे में फैसला करना, ये वालदैन की जिम्मेदारी है,
ये नहीं कर हमारी गलत दोष में आ गई, अगर मेरा बेटा ना करेगा तो मैं यहाँ से क्यों कर दूंगा, मेरी नाम खानदान के अंदर पड़ जाएगी, इससे मेरी बात नहीं मानी, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। औलाद से बशरा करना ये अंबिया की सुन्नत है, जैसे रहीम ने किया कि भाई मैं ये देख रहा हूँ कि मैं तेरे खाब में से बात कर रहा हूँ, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। अंबिया से बड़ा गैरतमंद तो कोई नहीं है, अंबिया से बड़ा मकान और मरने वाला तो कोई नहीं है। हमारे यहाँ ज्यादातर अमूमन ये जो इस तरह का मिजाज है ये अमूमन जो हमारे पठान भाई उन लोगों में पाया जाता है, वो बेचारा बच्चा कहते ठीक है वालिद साहब ने फैसला कर दिया बस उसके बाद खत्म हो गई, ये मतलब एक आम सी बात है, अहम की बात नहीं है, हर माहौल बादशाह का अपना मिजाज होता है। तो उस मिजाज के अंदर ये बात है कि उन्होंने जो बड़े लोग फैसला करने पर वो पसंद हो ना पसंद हो जाए उसको कबूल करे ना करे, अब सारी जिंदगी उसकी फैसले पे बर्बाद हो जाए तो होती रहे, लेकिन बस वो बड़ा भी कहता मैंने फैसला कर दिया, छोटा बेचारा कहते जी मेरे बारे में फैसला किया जा चुके हैं लिहाजा मैं इस बारे में कोई और बात नहीं कर सकता। लिहाजा पहली बात यह है कि अपनी औलाद से मशवरा करें, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मशवरा किया भाई तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है, मैं तुम्हें हिस्स कराना चाहता हूँ, आप बताएं कि आपकी क्या राय, बेटा आप हिस्स कर लेंगे, आप समझते हैं कि आप मदरसे में चले जाएंगे वहां का जो माहौल है वो आपके जहन और मिजाज के मुताबिक है कि नहीं है, अगर तो कहोगे हाँ जी कर लूंगा 24 महीना दाखिल करा दें। अगर फिर दूसरी बात ये होती है कि अगर हम फैसला ठोंस देते हैं मुस्तकबिल में जाकर उस फैसले के असरात सही मुरतब नहीं होते, कोई नतायज खास जाहिर नहीं होते, तो बेटा कहेगा जी गलत फैसला लिया, फैसला तो आपका था, लिहाजा मैंने तो उसके सामने हाँ किया, आपने शुरू से समझाई की था कि जो बड़ा बात कहते बस वो हर पे आकर होंगी है और उसकी बात को मान लेना चाहिए, तो मैंने तो इसलिए मान लिया, लिहाजा आप उसके नतायज तो आप ढूंढिए जो हुआ सो हुआ। लिहाजा मुख्तसर बात यह है कि औलाद से मशवरा करें उसके मुस्तकबिल के बारे में, हम आपके बारे में ये सोचते हैं, आप बताएं आप भी ऐसा सोचते हैं या आपके लिए कुछ और है, इस्लाम ने इतना पाबंद नहीं किया जितनी पाबंदियां हमने इस्लाम के नाम पे दूसरे लोगों के ऊपर लगा दी, इसी वजह से लोग मुतवज्जो होते हैं, इस्लाम ने इतनी सख्ती नहीं रखी जितनी सख्ती हमने इस्लाम के नाम पर दूसरों के ऊपर लागू कर दी। और दूसरी बात ये इसी के अंदर एक और बात शामिल कर लें कि भाई सख्ती हम अपने मिजाज के ऊपर नहीं लेकर आते, दूसरे बंदे को देखेगा कि उसके पथ में नंगे नहीं है उसके ऊपर बड़ी तनकीद करेंगे, अब ये देखिए इसके ऊपर नहीं नंगे नहीं होते, इसको शरीयत का इतना वाज़ह हुक्म है कि जिसके टखने छुपे हुए होंगे अल्लाह उस हिस्से को टखने जो छुपे हुए होंगे उस हिस्से को जहन्नम की आग में जलाएंगे, इसको इतने हुक्म का भी पता इसके टखने छुपाए और अपनी हालत जब शायद नमाज से बेकाफिल हो, अपनी हालत उसकी शायद नमाज से बेकाफिल हो, अपनी हालत शायद ये हो कि अल्लाह के जो बड़े बड़े हुक्म हैं उनको मैं छोड़ के बैठा हूँ, ज़कात अदा ना कर रहा हूँ, विरासत के अंतर किसी को हिस्सा ना दे रहा हूँ, सारे के सारे मालों को दबा के बैठा हूँ, ये अपना मिजाज है ऐसा उसका। तो हम शरीयत के जितने हुक्म हैं उन सारे हुक्मों को दूसरे की जात के ऊपर पूरा होता देखना चाहते हैं, हमारा ये मिजाज बन गया है, मैं ये चाहता हूँ कि शरीयत के जितने हुक्म हैं वो सामने देखने वाला जो बंदा उसकी जात के अंदर पूरे हों, लेकिन ये मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि सबसे पहले मुखातिब तो मैं खुद हूँ, मुझे खुद शरीयत के साथ अहकाम को पूरा करना चाहिए, दूसरा तो बाद में है। आपने साहब को सामने जब ये ऐलान किया था नबूवत का तो सबसे पहले क्या कहा था कि मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल गुजारे हैं, तो बताओ तुम्हारी मेरे बारे में क्या राय है, ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें देखा हूं कि तुम लोग ऐसे रहे लोग ऐसे रहे लोग ऐसा होना चाहिए तुम्हें ऐसा होना चाहिए, नहीं ये कहा था कि मेरे बारे में बताओ तुम्हारी क्या राय है, मैंने तुम्हारे दरमियान इतने साल गुजारे हैं मैं सच्चा हूं या झूठा हूं ये बताओ, ये नहीं कहा कि तुम लोग कैसे हो तुम लोग कैसे हो तुमने ये किया तुमने ये किया ऐसा किया वैसा किया, ये नहीं कहा। सबसे पहला हुक्म अल्लाह जो देखना चाहता है वो इंसान की अपनी जान के ऊपर है कि मैं खुद कैसा हूं, जब मैं खुद 100% ठीक हूं तो मैं दूसरों को भी बताऊं, अगर 100% ठीक नहीं हूं तो कम से कम एक तरबियत के अंदर चल रहा हूं एक ऐसे माहौल के अंदर रह रहा हूं कि मैं अपनी तरबियत कर रहा हूं, उस तरबियत के होते हुए अगर मैं किसी को कोई बात समझाना सिखाना बताना चाहता हूं तो उसकी शरीयत में पाबंदी नहीं लगाई, बात समझ में आ रही है, उसकी शरीयत की पाबंदी नहीं लगाई, तो लिहाजा शरीयत के सारे अहकाम दूसरे की जात के ऊपर देखने से पहले हम ये देख लें कि शरीयत के कितने अहकाम के ऊपर मैंने अमल किया है। पर बात और तरफ निकल गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मशवरा करते हैं बेटे से कि तुम्हें बाप बनेगा कि मैं तुम्हें जीवा करूँ बताओ, अब ये एक और बात इसके अंदर ये देखिए
अब ये बात अजीब सी है, दुनिया का कोई मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई अपने बेटे को जिबा करे, दुनिया का कोई कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई बाप अपने बेटे को जिबा करे, कोई दुनिया की शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती तो कोई बाप अपने बेटे को जिबा करे। ये अकल सीमा वाला बात है, समझ में आने वाली नहीं है कि क्यों कोई अपने बेटे को जिबा करेगा। जब अपने बेटे से पूछ रहे हैं कि मैंने ख्वाब में ये देखा कि मैं आपको जिबा कर रहा हूं, तो जहरी बात है अगर बेटे से बचना हो रहा है तो लाजिम बात के जहन की बात है कि जुर्म को पूरा करना चाहिए, लाजिम बात के जहन नहीं है। और वो ये चाहते हैं इसलिए तो अपने बेटे से बचना कर रहे हैं कि बताओ मैं तुम्हारी क्या राय है। अब ये अकल से ना वाला बात है, अकल में आने वाली नहीं है। तो ये जो कुर्बानी का सारे का सारा फलसफा है जो आगे आने वाले दिनों में आएगी कुर्बानी, ये सारे का सारा फलसफा पूरी की पूरी कुर्बानी ये सारी की सारी अकल से ना वाला है, ये समझ में आने वाली नहीं है। आज हमारे कुछ दानिशमंद हजरात वो ये कहते हैं कि मैं कुर्बानी का मकसद यह है कि लोगों को गोश्त मिल जाए, लोगों को खाना मिल जाए, तो लिहाजा ऐसा कर देना चाहिए कि कोई झूठे सदका फैला कर कुर्बानी के बजाय जितने का जानवर खरीदना है, जितने का हिस्सा डालना है वो सदका फैला कर दे। फर्ज करें अगर 10,000 15,000 हिस्सा है, 15,000 हो गए, एक वैसे कटवा का मुकर्रर करते हैं 15,000 एक हिस्सा है कुर्बानी का। अब ये कहते हैं बजाय इसके अब आपने कुर्बानी करनी है 15,000 का हिस्सा डालते हैं, अब बजाय इसके आपको 15,000 दे दें कुर्बानी के बीच में कुर्बानी के अंदर हमारा हिस्सा देने का, इस 15,000 को आप सबका खैरात कर दें आपको सवाब वही मिलेगा। ये 100% गलत बात है, 100% गलत बात है। ये वो लोग बात करते हैं जो दीन से बेजार हैं, जो दीन के अंदर शुक व शुभात पैदा करना चाहते हैं। यही वजह है कि आज हमारी नस्ल के अंदर, हमारे माहौल माशरे के अंदर दीन के हवाले से इतने शुभात मौजूद है जो इससे पहले कभी शुभात पैदा नहीं हुए थे। ये वो लोग हैं जो दूसरे लोगों को दीन से बेजार करने वाले हैं कि लोगों को परेशान करते हैं दीन के मामला के अंदर, लोग उलझ जाए कि दीन असल है क्या। ऐसे मुतफिका मसाइल जिनके अंदर शरीयत के शुरू से लेकर आज तक किसी एक फर्द बारे में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं किया, उस मसले के अंदर भी लोगों को उलझा दिया जाए कि असल में है क्या। अब ये 15,000 का नहीं सरकार करने खराब कर रहे हैं, आपको कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा, आपको कुर्बानी हो जाएगी। अब कुछ दिन बाद एक साहब के ये कहते हैं, मौलवी साहब को मैं बयान सुन रहा बड़े अच्छे तरीके से समझा। अब एक साहब ये कह रहे जी नमाज का वक्त है और मैं दुकानदारी कर रहा हूँ, कुछ ऐसे बात बताओ मैं ये समझा दी कि आप ऐसा करें कि नमाज तो होती रहेगी, आप दुकानदारी अच्छे तरीके से करें, शरीयत के अहकाम के मुताबिक करें और इस दौरान जितना आप पैसा कमा लेंगे उस मकसद का खैरात कर दें, दूसरे लोगों का भला हो जाएगा, ये भी तो शरीयत का हुक्म है ना, आप उसको सबका खैरात कर दें। वो कहते हैं हाँ यार ये बात बिल्कुल ठीक है, लोगों के काम आना बहुत बड़ी नेकी है, लिहाजा मैं नमाज को छोड़कर मैं अपनी दुकान खोली रखता हूँ, ये जो पैसा आएगा इसमें सबका खैरात कर लूंगा। ये एक आदमी के ऊपर हज फर्ज हो गए हैं, उसे भी बंदा समझाता कि हज के लिए तुम इतना पैसा लगाकर वहां पे जाओगे, इतनी मेहनत करोगे, इतनी मशक्कत करोगे, तुम्हारे ऊपर हज फर्ज है ना, वो जो है ना 4-5-6 लाख जितने भी तुम्हारे लगेंगे वो तुम अगर यहाँ पे सबका खैरात कर दो तो कितने लोगों का भला हो जाएगा। ये तुम आओगे जाओगे सफर करोगे मुशक्कत करोगे पैसों का ही देखना है ना, तो यहाँ टीवी पे देखो तस्वीरें बहुत सारी आती है वहां पे देखो, तो ये सारे का सारा पैसा तुम सबका खैरात कर दो तुम्हें कितना अजर मिलेगा, कितना सवाब मिलेगा, कितनी इंसानियत का भला हो जाएगा, 4-5 बंदों को तुम कर वार्षिक करके दे सकते हो, लिहाजा ये करके दे दो कितना भला हो जाएगा। वो हज भी गया, अब क्या हुआ, एक इंसान कहता है ये रोजा जब रखते हैं तो रोजा रखते हो तुम्हारी सेहत गिरेगी, कमजोर हो जाओगे, काम सही नहीं कर सकोगे, इबादत के अंदर जो है वो हाथ को खड़े होना तराबी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो ऐसा करके रोजा ना रखो, तुम डट के काम करो और अपने नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, रात को जो तरावियां पढ़नी है वो पढ़ो और डट के काम करो, जितना पैसा कमाओ सबका ख्याल करो, रमजान के अंदर सबका करने का बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा अजर मिलेगा रमजान में सबका करने का, तो तुम सबका ख्याल करो। ये क्यों नहीं करोगे, नमाज गई, रोजा गया, हज गया, कुर्बानी गई, शरीर पीछे बची क्या। अगर ये इंसान सोचना शुरू कर दे कि इस हिसाब से तो नमाज भी चली गई,
इस हिसाब से रोजा भी चला गया, इस हिसाब से हज भी चला गया, कुर्बानी भी चली, पीछे बचा गया। इस भ्रमण करते हैं कि जो दीन से बेजार भी हैं और दीन में लोगों को उलझाना भी चाहते हैं, इसके अंदर शुक व शुबहात भी पैदा करना चाहते हैं, और जो नई नस्ल आने वाली है उसको इसमें परेशान करना चाहते हैं कि जिनके नस्ल है क्या। लिहाजा जो हमको अल्लाह का, अब ये देखे अपने बेटे को जिबा करना अकल से मां वाला बात है, समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी होते हुए, खलीलुल्लाह होते हुए इस बात का इरादा फैसला कर चुके हैं कि अल्लाह का हुक्म आ गया। शरीयत के अंदर ये नहीं लिखा जाता कि इसकी हिम्मत क्या है, इसका फलसफा क्या है, देखा नहीं जाता कि अल्लाह का हुक्म क्या है। बस ये दीन है इस्लाम, यही है कि अपने आप को सरेंडर कर देना, सरे तस्लीम हम कर देना, अपने आप को किसी बड़े के हवाले कर देना। जब हमने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह के सामने सरे तस्लीम हम कर दिया, तो जब अल्लाह ने कहा कि ये कुर्बानी करनी है, इस तरीके से कुर्बानी करनी है, इन अय्याम के अंदर कुर्बानी करनी है, और इसके अलावा हटकर पूरे साल के अंदर नहीं कर सकते, इन अय्याम के अंदर कर सकते, तो फिर हम सरे तस्लीम हम करते हुए ये बात कहते हैं कि हम इन अय्याम के अंदर इसी इबादत को इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से अल्लाह ने हुक्म दिया। बाकी जो दुनिया के फलसफे हैं उनको उठाकर बंदी की टोकरी में बैठेंगे, इसी वजह से इंशाअल्लाह उसी गुफ्तगू की सुनते रहेंगे।